हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग कोर्स। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक वेबसाइट मतलब क्रिएट करके दिखाऊंगा। आपके सामने एक अच्छी क्वालिटी की एक वेबसाइट होगी। जितने पार्ट हम लोगों ने कवर किए वो सारे के पार्ट को मिला के हम लोगों ने एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। मतलब बहुत ईजी होगा और लुकिंग भी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है इस वेबसाइट की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, मैं आपके लिए एक ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूँ, एक वेबसाइट क्रिएट करके रखा हूँ। आप चाहे तो उसकी लाइव रिव्यू देखो, इस तरह से आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगी। आप अगर इस तरह की एक वेबसाइट बनाना चाहो, इमेज ऐड करना चाहो, बटन सेट करना चाहो, लिंक सेट करना चाहो, टेक्स्ट को भी ऐड करना चाहो, अगर आप एक लैंडिंग पेज भी क्रिएट करना चाहो, तो आपको इस कोड की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। आपको इतना तो सीखना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूँ। ये जो फाइल मैंने क्रिएट की है, ये जो कोड मैंने तैयार की है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। आपको इसे यूज करके आपकी विजुअल स्टूडियो के अंदर हो या जो भी अगर आप यूज करते हो उसके अंदर, आप उसे ऐड करके, कोड ऐड करके इसके आउटपुट आप देख सकते हो। प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स से जाके कमेंट करो, मैं उसकी रिप्लाई जरूर दूंगा और प्रॉब्लम जो भी होगा आपकी वो भी सॉल्व करूंगा मैं। ओके, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने करी है वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। ओके, पहले हम चलते हैं ये जो HTML फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने टाइटल्स वगैरह दिए और सिर्फ यहाँ पे क्या करिए, लिंक कर दी है जो कि हमारा CSS फाइल को। ओके, ये रही हमारी जो हेडर की मेनू रही है, जिस मेनू के अंदर हम लोग ऐड करते हैं, क्या हमारा जो लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं, मतलब फेसबुक की लिंक हो, सोशल मीडिया की लिंक हो, यूट्यूब वगैरह जो भी चीज़ें लिंक वगैरह यूज़ करते हैं, और हम लोग अगर लॉगिन पेज अगर यूज़ करना चाहते हैं तो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लॉगिन पेज की बॉटम यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं बता दूँ आपको यहाँ पे, मैं जो हमारे जो अगले एक दो वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्क्रिप्ट दूंगा, जो स्क्रिप्ट को यूज़ करके आप लोग एक लॉगिन मतलब एक पेज क्रिएट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस की पेज क्रिएट कर सकते हो, एक लैंडिंग पेज बना के वो कॉन्टैक्ट अस की पेज अगर आप ऐड करते हो तो आपकी साइट बहुत ज़्यादा क्वालिटी लगने वाला है। और आपको मैं बता दूं, अगर आप वो स्क्रिप्ट अगर ख़रीदने जाओ तो आपको मिनिमम 60 डॉलर तो मिनिमम आपको लग जाएगी, मगर मैं आपको वो स्क्रिप्ट फ्री में दे रहा हूँ। ओके, और ओके, वो तो है नेक्स्ट वीडियो की बात, मगर इस वीडियो में हम लोग इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी साइट की लोगो ऐड करना चाहो तो इसके अंदर, आप लोगो ऐड करना चाहो तो लोगो ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड करना चाहो तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, अगर कोई इमेज ऐड करना चाहो यहाँ पे वो इमेज इजीली ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने मेनू ऐड की है जो कि होम, अबाउट अस, सर्विस, कॉन्टैक्ट अस, फीडबैक, इस तरह की मैं मेनू ऐड की है। ओके, आप चाहे और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, आपकी जो कैटेगरीज वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू, यहाँ पे नेविगेशन मेनू, जो भी आप बोल सकते हो उसको भी मैंने ऐड की है, जो कि लिंक की तरह काम करने वाला है। यहाँ पे आप मार्क करो, ये जो लिंक है यहाँ पे आपको अभी HTML दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे मैं होम के ऊपर क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे देखो होम आ रहा है ना। इस तरह अगर मैं न्यूज़ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप मार्क करोगे कि ये न्यूज़ आ रहा है ना। तो इस तरह कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, जो भी चीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, वो एक लिंक की तरह काम कर रहा है। ओनली हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इसके अंदर हम लोग पेज ऐड करेंगे तो ये एक नए पेज के ऊपर ये रिडायरेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये था चीज़ें, और यहाँ पे आपको सिंपल सा चीज़ें करना है, आपको आपको डीव की मदद से ये सारी की सारी चीज़ें आपको बनाना पड़ेगा, और कुछ नहीं। आप इमेज वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे देखो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने जो यूज़ किया था पिछले वीडियो में, ओके, मेनू
क्रिएट करने के लिए जो भी यूज़ किया था, जो कि आप मैंने बताया था आपको, ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड करके, और लिंक के थ्रू लिंक जैसा काम करेगा वो, हैशटैग अगर मैं ऐड करता हूँ है ना, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी ऐड की हूँ, जिसकी आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ डिव यूज़ की है, पी टैग यूज़ की, और कुछ भी नहीं, यहाँ पे देख सकते हो आप, और भी कुछ भी नहीं ऐड की है, बस डिव यूज़ करके ये सारे की सारी चीज़ें मैंने एक अट्रैक्टिव वेबसाइट, या आपको लग रहा होगा। ओके, ये देखो, अगर यहाँ पे इमेज अगर ऐड करना चाहो, हाँ मैं बता दूँ, अगर आप इमेज के जगह GIF यूज़ करना चाहो तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैंने ऐड की है, आप देख सकते हो, और टेक्स्ट की कलर भी चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो, और यहाँ पे रीड मोर की बटन अगर ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो इजीली, और उसके साथ ही कॉपीराइट की जो क्रेडिट यहाँ पे देना चाहो तो दे सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड करी हूँ वो सारी की सारी कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लो और उसे यूज़ करो अपनी स्टूडियो में, विजुअल स्टूडियो के अंदर उसे ऐड करो और देखो काम करता है कि नहीं, अगर नहीं काम करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, ये सारी की सारी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड की है बस। और CSS फाइल के अंदर मैं बता दूँ आपको, CSS फाइल के अंदर ऐसे कुछ भी नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे विड्थ हाइट और मार्जिन जो कि हम लोगों ने बार बार करते हैं, यहाँ पे भी विड्थ हाइट और मार्जिन, यहाँ पे भी विड्थ हाइट, फ्लोट, बैकग्राउंड कलर, ऐसे ही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई है। ओके, ये डॉट की मतलब मैंने आपको बता दी थी, वो डॉट की मतलब है क्या क्लास की, तो और कुछ नहीं यहाँ पे, यहाँ पे मैं देखो मैंने RGB की कॉलर यूज की है, आपको नहीं बताया है, अगर आपको पता नहीं है जाके आप पिछले वीडियो चेकआउट करो, ये सारी की सारी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, RGB अगर कलर आपको चाहिए तो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो गूगल में जाके, RGB कलर, HTML RGB कलर, आप इसी तरह से लिख सकते हो HTML RGB। ओके, यहाँ पे आप देखो जो भी अगर चीज़ आप ऐड करना चाहो, अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो आपको RGB इस तरह से मिल जाएगी, वो कलर क्या था, ये कलर है। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, RGB की कलर यूज़ कर सकते हो, ये कन्वर्टर है, आपको बहुत सारे कलर्स वगैरह भी मिल जाएगी, आप अगर सर्च करते हो यहाँ पे देखो है ना, तो इजीली आप कर सकते हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी चीज़ें अभी आ रही है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, और यहाँ पे जो भी कोड मैं दिया हूँ आपको उसे एक बार रीड करो, उसको आपकी साइट के अंदर खुद आप लिखो, उसे टेस्ट करो, तो आपको समझ में सारी की सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी ये जो चीज़ मैंने टास्क दिया वो चीज़ कंप्लीट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।